अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार युद्ध की संभावना टलने और चीन में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की सरकार की कोशिश के बाद आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा और ये लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर बने रहे। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 166 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 116 अंक की बढ़त के साथ 39,900 अंक पर, लेकिन जल्द ही ये लाल निशान पर आ गया और ये 39,760 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया, लेकिन बाद में सेंसेक्स फिर हरे निशान में पहुंचा और लगातार मजबूत होता गया। एक समय में 40,000 के पार पहुंचकर 40,066 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। बाद में सेंसेक्स 166 अंक की मजबूती के साथ 39,950 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर हरे और शेष 7 के लाल निशान में रहे। टाटा मोटर्स के शेयर सबसे ज्यादा 2.71% चढ़े, जबकि सन फार्म के शेयर 3% के गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के 20 समूहों में से एफएमसीजी समूह में 0.05% की गिरावट रही, जबकि धातु समूह में सबसे ज्यादा 1.33% की मजबूती रही। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी हरे निशान पर खुला। निफ्टी की शुरुआत 37 अंक की बढ़त के साथ 11,960 अंक से हुई। आज दिन में ये 11,904 अंक के निचले और 1200 अंक के उच्च स्तर से होते हुए कल की तुलना में 43 अंक मजबूत होकर 11,966 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 32 कंपनियां हरे और 17 कंपनियां लाल निशान पर बंद हुई, जबकि एक के शेयर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विदेशी बाजारों में एशिया में जापान का निक्की 0.33%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.59%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.76% और चीन का शंघाई कंपोजिट 2.58% की मजबूती पे बंद हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन के एफटीएसई में 0.51% और जर्मनी के डेक्स में 1.34% की तेजी रही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।